डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं कराऊंगा आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जीके सीरीज का बेस्ट 300 की जीके सीरीज इसका पार्ट 12 कराऊंगा आज आपको। पार्ट 11 तक मैं आपको करा चुका हूं, आज मेरा है पार्ट 12। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो इंडिया के बीच में होती है और किस देश के बीच में होती है, तो कौन सा देश है, वो है आपका थाईलैंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व ऑन, जो नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, नौसेना जो वाटर वाली हमारी आर्मी होती है जो समुद्र में लड़ती है, तो कब मनाया जाता है आपका, फोर्थ ऑफ दिसंबर, 4 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच इज द हाइएस्ट रैंक इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में हाइएस्ट रैंक कौन सी है, कौन सी है, वो है आपका मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। कौन सी है, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर, मतलब ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, तो कौन सा है, वो है आपका ओ नेगेटिव। क्लियर, ओ नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर्स इंडिया LOC, इसको बोलते हैं LOC होता है तो, और LAC होता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, LAC की, तो LAC किसके बीच में है, LAC इंडिया और चाइना के बीच में है। LOC किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इंडिया इसका सही जवाब क्या है, चाइना। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स है तीनों जो हमारी नेवी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों का कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सही जवाब क्या है, राष्ट्रपति। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो, यूनिटी और डिसिप्लिन किसका मोटो है, किसका ध्येय वाक्य है, किसका आदर्श वाक्य है, तो कौन सा है, नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC। ठीक है, कौन सा है हमारा, NCC। चलिए नेक्स्ट। ब्रह्मोस मिसाइल वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया, ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, इसके तकरीबन अलग अलग संस्करण है, ब्रह्मोस 1, 2, 3, 4, 5, अब तो 5 तक आ चुके, जिसकी रेंज कितनी है, तकरीबन 5000 किलोमीटर, लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है। तो वो किस देश ने मिलकर बनाया, एक तो इंडिया, एक तो भारत है, और दूसरा देश कौन सा है, दूसरा है रशिया। ठीक है, रशिया। क्लियर, ब्रह्मोस रशिया। ठीक है, विच इज द वाइट लेयर ऑफ द आई इज रेफर्ड, जो आँख में आपकी सफ़ेद परत होती है, वाइट लेयर होती है, वो किसको रेफर, क्या नाम, क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं स्केलेरा। ठीक है, स्केलेरा। क्लियर, चलिए। एन एवरेज ह्यूमन हैज लीटर्स ऑफ ब्लड, एक एवरेज ह्यूमन में कितने लीटर खून होना चाहिए, कितना होता है, 5.7, 5.7 लीटर। ठीक है, ऑप्शन ई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था पार्ट आपका 12, जल्दी मैं पार्ट 13 लेके आऊँगा, तब तक मेहनत करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।